करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणी की हत्या के बाद देश भर में फैले आक्रोश की लपट अब झांसी भी पहुंच चुकी है। झांसी में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने एलाइट चौराहे पर लगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा करने के बाद अशोक गहलोत का पुतला फूंका और सरकार से मांग की कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। सभी कार्यकर्ताओं ने एक आवाज में कहा कि इसके लिए पूरी तरह अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामणि लंबे समय से अपनी सुरक्षा की मांग उठा रहे थे लेकिन राजस्थान सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी और चुनाव खत्म भी नहीं हुए थे कि सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या कर दी गई। कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका और इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि किस प्रकार से अशोक गहलोत इस हत्या के जिम्मेदार हैं। आज अखिल भारतीय छत्री महासभा, करणी सेना, महाराणा प्रताप युवा बल सब लोगों ने मिलके कल जो जयपुर में घटना हुई, राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि जी की हत्याओं ने गोली मार के उनके घर पे हत्या कर दी, मिलने गए बहाने से, हम लोग इसमें उद्वेलित हैं और हम ये समझते हैं कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सुखदेव सिंह ने जितनी बार भी सुरक्षा मांगी उन्होंने सुरक्षा नहीं देने दी, उनकी सुरक्षा नहीं करी गई, इस कारण उनकी हत्या हुई। हम लोग ने पुतला जलाया अशोक गहलोत का, हम सरकार से मांग करते हैं इस हत्याकांड में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इस साजिश में जितने लोग भी शामिल हैं उन सब की जांच कराई जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जब तक ये नहीं होगा क्षत्रिय महासभा के लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्षत्रिय समाज चुप नहीं बैठेगा, हम लगातार आंदोलन करेंगे। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी श्री मशेट को सौंपा। करणी सेना के राधी असल सुखदेव सिंह जो गोगामेडी की हत्या हुई है उस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम के इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है जो कि उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पहुंचा दिया जाएगा।